ते सगळे पण कम्प्लिटली, पण ही नाही झाली आहे एवढी. लिसन, ऐड किया, कॉपी किया, अब यही और उसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए. पहने इसी तरह सिर, गर्दन, चेहरा. कोरोना काल में ये एक्टिविटी बंद हो गई थी, दो साल तक कोई आ नहीं पाया लेने के लिए, तो हो सकता है उनकी पढ़ाई भी सफ़र हो गई हो उस इसमें. तो हमने ये सोचा कि इसका कोई पर्याय भी एक होना चाहिए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट. खोज करने के बाद में हमें पता चला कि अभी कुछ साल पहले ही भारत में इंटरनेट रेडियो लॉन्च हुआ है. और भी एक चीज़ हमें पता चली कि एक भारत की ही कंपनी है जिन्होंने इंटरनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है. तो हमने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने 400-500 रेडियोज़ लॉन्च किए अभी तक. तो हमने उनको बताया कि भी ऐसे ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी है कि बच्चे अगर छुट्टियों में घर भी जाते हैं, खेड़े गाँव में भी जाते हैं, तो रेडियो सुनकर उनकी थोड़ी बहुत तो भी पढ़ाई होना चाहिए. तो उन्होंने बताया कि ऐसा आज तक डिमांड आया नहीं, हमारे लिए भी ये बहुत अलग चीज़ है और हम बिल्कुल सहयोग करेंगे. और शायद ये भारत का पहला ही ऐसा इंटरनेट रेडियो हो जो दृष्टिबाधितों को ध्यान में रखकर किया गया है. रेडियो अक्स आने की वजह से वहाँ पे पूरी तरह से नॉलेज हासिल होगा, जैसे समझा कर बताया जाएगा, यानी जैसे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही है ऐसी फीलिंग होगी. पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा. हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते. एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो. एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून.